गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की विधायक अलका राय ने एक बार फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा को पत्र लिखा है। 15 मार्च को राष्ट्रीय महासचिव को प्रेषित पत्र में विधायक ने लिखा है कि महोदया, एक बार फिर मैं आपसे माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर अपनी बात कहते हुए आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र प्रेषित कर रही हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि एक तरफ आपने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में संरक्षण देते हुए राज्य अतिथि बनाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपकी पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी के मेहमान बनकर उनके गुर्गों के साथ उत्तर प्रदेश में गुपचुप यात्राएं करते हैं। महोदया, मैं एक विधवा हूँ। मुझे लगता था कि एक महिला होने के नाते आप मेरे दर्द को समझेंगी, लेकिन आपने ना तो मेरे किसी भी चिट्ठी का जवाब दिया, बल्कि इसके उलट मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए लाखों रुपए के वकील सुप्रीम कोर्ट में जरूर खड़े कर दिए। मेरे साथ जो हुआ या जो घटित हो रहा है, वो अगर आपके साथ हुआ होता तो आपको मेरे दर्द का एहसास होता। महोदया, आपके और आपकी पार्टी के अगाध माफिया प्रेम का उदाहरण सबके सामने है, जिसमें आप और आपकी कांग्रेस पार्टी की शासित पंजाब सरकार एक ओर तो मुख्तार अंसारी को बचा रही है और दूसरी तरफ पंजाब सरकार के जेल मंत्री मुख्तार के शरण में उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। इसलिए अब मुझे अपने और अपने परिवार के जान का खतरा महसूस हो रहा है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और आपके पार्टी की पंजाब सरकार की होगी। आशा है कि आप इस बार मेरे इस पत्र का जवाब देंगी, साथ ही कुछ ठोस कदम उठाएंगी। सुने क्या कहा विधायक अलका राय ने। प्रियंका जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार है और मुख्तार जैसे खूंखार अपराधी को न बचाया जाए। वहाँ से जेल मंत्री आए थे लखनऊ आकर के उस परिवार के लोगों से मिले हैं चुपके से, और उनके जो गुर्गे हैं उन गुर्गों से भी मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि आपसे एक निवेदन है कि उन इस अपराधी को न बचाया जाए, न सहयोग किया जाए, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भेजा जाए। उत्तर प्रदेश उनकी जितनी मुकदमे हैं कैसे हैं वो उत्तर प्रदेश में चलती हैं, उसको आप देखवा लीजिए, देखिए और उसका मेरा सहयोग करिए।